आज सुबह मैंने ये मैंने ढोकला बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने आज लंच में कढ़ी चावल बनाए थे, तो उसकी रेसिपी ज़रूर आप लोग को मेरी रेसिपी चैनल पवारी रसोई पे मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कढ़ी है ना वो बहुत अलग तरीके से बनती है, बहुत सिंपल बनती है बट बहुत लोगों को पसंद आती है, तो आप लोग वहाँ जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा इसकी रेसिपी। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरिता पवार लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे का बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं वहीं, उसी के लिए हम अभी रेडी हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए जा रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी हम बर्थडे में लेकर जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ शॉप पर पहुँच गई थी, तो कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ सूट कर लिया, हालांकि यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट घर के पास में ही है तो वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और उसके बाद फिर हम यहाँ, इन्होंने ना गुरुद्वारे में प्रोग्राम रखा था, पंजाबी फ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने गुरुद्वारे में अपना जो बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ किया, उन्होंने पहले वहाँ उनका जो भी होता है ना पूजन वगैरह वो किया, वहाँ सभी को खाना वगैरह खिलाया उन्होंने, उसके बाद घर आकर फिर उन्होंने केक कट किया था। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग माथा टेकने के लिए गए हुए थे ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरी फ्रेंड कुछ भी प्रोग्राम होता है ना गुरुद्वारे में, तो मुझे हमेशा इनवाइट करती है और मैं हमेशा जाती हूँ। बहुत बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर जब उनका कीर्तन वगैरह चलता है ना, तब तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारा कीर्तन वो लोग गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और ये देखिए, आप लोग भी है ना बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। और सबसे एक बात आप लोग को मुझे बतानी थी, सबसे अच्छी बात है ये, और मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ये किया, मतलब हमेशा हम लोग भगवान जी से कुछ ना कुछ कहते हैं ना, आज फर्स्ट टाइम मैंने ये कहा कि जो सभी जो यूट्यूबर्स हैं ना उनका चैनल मोनो हो जाए। मतलब पहले तो मैं इतनी सीरियस नहीं थी, बट पता नहीं इस बार जब मैं वहाँ गई गुरुद्वारे ना, तो अचानक से मुझे लगा कि सभी जो यूट्यूबर्स हैं, सभी जो मेरे भाई बहन हैं, सभी जितने भी फ्रेंड हैं ना, सबके लिए मैंने वहाँ आप लोग के लिए भी दुआ की है कि सभी का चैनल मोनो हो जाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और जो हम लोग जो मम्मीज़ हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे भी हैं, उन्हें भी संभालना है, वीडियोस भी बनाना है, एडिटिंग भी करना है, फिर फ्रेंड्स भी बनाना है, सभी के घर जाना भी है, वीडियो वॉच भी करनी है, और कमेंट्स भी सबके इसमें जाकर करना है, देखना है। और ये देखिए, हम लोग कुछ फ्रेंड्स हैं ना फिर यहाँ खाना खाने के लिए जब नीचे गए थे, तो यहाँ पर मैंने फिर हम एरी के नीचे खाना खाने के लिए गए थे। देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी खाना था। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।